नमस्ते दोस्तों, कैरियर चुनाव का दूसरा वीडियो हम देख रहे हैं। पहले वीडियो में हमने जाना कि कैरियर के प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। अब सोल्यूशन क्या है सर बताएंगे, कि कैरियर की सावधानियां क्या है, जिस प्रकार किस सावधानी से आप कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अगर हमारा दूसरा वीडियो अभी सुन रहे हैं तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पहला ही वीडियो देखकर आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा। तो बने रहिए, शुरुआत करते हैं। सावधानियां क्या है कैरियर चुनाव करते समय? देखिए, कैरियर का चुनाव आपके लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे 10 पॉइंट आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे आप कैरियर को सही चुने, क्योंकि अगर आपने कैरियर का चुनाव कर लिया तो आपको किसी भी समय किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना है। तो मैं इन पॉइंट्स को आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका ये है कि आप एक कैरियर का जब चुनाव करने के लिए जा रहे हैं तो आप खुद को जाने, नोइंग योर सेल्फ। आप अपने को देखें कि मैं किस चीज के लिए परफेक्ट हूँ, किस चीज के लिए बना हूँ, क्या मैं बहुत अच्छा करता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मैं लगातार जीतता आया हूँ और मुझे कोई कभी भी पछाड़ नहीं पा रहा है। तो अगर आपने खुद को जान लिया तो आप उसके मुकाबले के जैसे उससे रिलेटेड कैरियर को फिर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले खुद को जाने। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने टाइम को आप किसी गलत चीज में ना डालकर कैरियर रिसर्च में डालें। आप टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करें, लगातार ये पता लगाएं कि मेरे जो टैलेंट है उसके लिए कितने जॉब ऑप्शंस या बिजनेस ऑप्शन मुझे अवेलेबल है, कैसे कहाँ पे मैं अप्लाई करके जॉब पा सकता हूँ, कितनी तैयारी मुझे करनी पड़ेगी और क्या क्या मुझे जो है तैयारियाँ फिजिकली, मेंटली और टेक्निकल लेवल पे करनी जिससे मैं इन जॉब्स में जल्दी जा सकूँ। ऐसी कितनी कंपनी है जो आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको जॉब दे रही, कहाँ कहाँ दे रही, ये सब को रिसर्च करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छा कैरियर आगे मिल जाएगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने जो गलत कैरियर अपनाए हैं और वो नए कैरियर में जो जिनका जिसका उनका सोच है, मन है कि मैं अपने मन की करूँगा, तो उनको क्या सलाह देना चाहता है? देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आपने कैरियर गलत चुनाव कर लिया किसी भी कारण से, तो आपके पास देखिए, पहली बात तो अगर आप कैरियर चेंज करना चाहते हैं तो आप पहले विकल्प पे देख लें कि आपके पास विकल्प है क्या कैरियर चेंज करने का, क्योंकि विकल्प अगर नहीं है तो आपने अगर आज करंट कैरियर को भी रोक दिया तो फिर पैसों की दिक्कत आपको हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि एज फैक्टर भी मायने रखता है। अगर बहुत ज़्यादा एज आप लगा चुके हैं इस कैरियर में तो अभी आप ज़्यादा चेंजेस ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा एज पे आप चेंज करते हैं तो फिर आप उतनी स्टैमिना नहीं रहता नए कैरियर में सेट होने का। तो एज फैक्टर चेक कर ले, अगर आप 30 के नीचे है या 35 तक भी है तो भी आप फैसला ले सकते हैं, पर 40 अगर क्रॉस कर गए तो अभी फैसला ना ले। थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कैरियर असेसमेंट टेस्ट चल रहे हैं। आप सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे असेसमेंट टेस्ट मिलेंगे जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि हम किस लिए बने हैं, और ऐसे असेसमेंट टेस्ट देने के बाद आपको जो स्कोर्स दिया जाता है ऑनलाइन उससे आपको समझ में आता है कि हम इस कार्य में ज़्यादा परफेक्ट है और इसमें नहीं है। तो असेसमेंट टेस्ट ऑनलाइन जरूर दीजिए और आप अपने दुविधा को इससे दूर कर सकते हैं। चौथा है, आप थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने लिए निकालें। अक्सर आप यूथ क्या करते हैं, पूरा जो 24 आवर्स मिलते हैं उसको आप खाने पीने, सोने, घूमने और मूवीज़ देखने, वेबिनार्स जो आप वीडियोस देखते रहते हैं उनमें लगा देते हैं, चैटिंग्स में लगा देते हैं। आप थोड़ा समय डेली अपने टाइम में से आधा एक घंटा सोचने में निकालें कि मुझे क्या करना है और कहीं मैं गलत ट्रैक में तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अकेले अगर आप कुछ देर रहते हैं तो कई बार आपको सोल्यूशंस स्वयं अंदर से निकल आते हैं। तो रोज आधे घंटे एक घंटे दुनिया से अलग, घर परिवार से अलग अपने कैरियर के बारे में सोचें, विचार करें, मंथन करें कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे। सर, मैंने देखा है कि आजकल जो स्टूडेंट है बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ पाना चाहते हैं। आज अगर उनको चाहिए कि मैं एक मान के चलिए एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, फिर एक बड़ी बहुत कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, फिर एक बड़ी कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी पा लेंगे। उस हड़बड़ाहट में वो अपने कैरियर में सही स्थान पर नहीं पहुंच पाते और वो कैरियर बदल लेते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, एक फैक्ट जो कई वर्षों से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा, जल्दी में कुछ चीज़ नहीं हासिल होती है। आपको बहुत स्ट्रगल करने के साथ धैर्य रखना पड़ता है। आज का यूथ जो बहुत जल्दबाजी में हर चीज़ पाना चाहता है, इसमें आप एक को मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ को पाने के लिए समय लगता है। धीरे धीरे वो कैरियर आपको जो है नाम, शौहरत, पैसा सब देगा,
जल्दीबाजी ना करें, जल्दी कैरियर चेंज ना करें। अगर आप एक कैरियर में है तो कम से कम आप 2-3 साल उस कैरियर में रहे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आप हर 6 महीने में, या मैंने तो ये भी देखा कि 2-3 महीने में लोग जॉब छोड़ के चेंज कर देते हैं, तो आपको फिर बहुत लंबे समय तक इसका फायदा नहीं मिलेगा। और ज्यादा जॉब जल्दी छोड़ने से आपका रिज्यूम भी कमजोर होता है, फिर आपका सामने वाली पार्टी ये देखती है कि आप 2-3 महीने में जॉब चले जाते हो, तो सामने वाले जो लोग हैं वो भी आपको जॉब देने से कतराते हैं। सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं करता, जिसका कारण है कि कैरियर मार्गदर्शन, कैरियर काउंसलिंग बच्चों को मिल नहीं पाती। तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम को कि क्या एक रणनीति अपनाएं जिससे कैरियर लोगों को मार्गदर्शन सही मिल पाए? मेरा सभी एजुकेशन सेंटर और कॉलेजों स्कूलों से एक अनुरोध है कि मात्र डिग्री डिप्लोमा या आप सर्टिफिकेट्स ना बांटें, आप इसकी जगह इम्पोर्टेंस इसमें दें कि कैरियर गाइडेंस उनको दें, जिससे उनका कैरियर ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि रिसेंट कई रिपोर्ट्स में भी समझ में आया है कि बड़े बड़े डिग्री करने के बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कैरियर में पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं आता, काम आता है, पर उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही। तो आप उनको गाइड करें, आप ऐसे लोगों से संपर्क करें जो गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ये याद भी दिलाएं कि करियर के लिए पढ़ाई करना और करियर बनाने में बहुत अंतर होता है। तो आप पढ़ाई जरूर करें, लेकिन साथ में करियर बनाने के लिए नए नए आप जो है टूल्स, टेक्निक्स और लोगों से मिले, गाइडेंस ले, जिससे प्रॉपर करियर एक बार आप सेट करें तो लाइफ टाइम आप उससे ज्यादा अच्छा पैसा और नाम शोहरत कमा सकें। सर, सही मायने में तो ये बात है कि गाइडेंस की कमी है, बच्चा को कोई बताने वाला नहीं हो, इसलिए बच्चा जानने वाला भी नहीं बनता है। और कुछ बच्चे जिनको गाइडेंस नसीब हो जाता है, बहुत ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके बहुत अच्छे टीचर्स और गाइडेंस मेंटर्स उनको मिलते हैं, वो गाइड देना चाहते तो वो बच्चे क्या करते हैं कि उनसे दूर भागते हैं, बोले कह यार ये तो हमें गाइड देने लगता है। तो आपसे अनुरोध है कि आपको अगर ऐसे गाइडेंस मिल रहे हैं, नसीब से मिलते हैं बहुत लोगों को, तो आप उन लोगों से बात को सुने, समझे और कैरियर को सबसे टॉप रैंक में रखें, क्योंकि यही आपका फ्यूचर को डिसाइड करता है। और फ्यूचर अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप किसी भी चीज समय सुखी नहीं रहेंगे और अपने परिवार को भी दुख दे बैठेंगे। सर, कंटिन्यू करिए। पांचवा पॉइंट में आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने डायरेक्शन को लगातार चेक करें। अक्सर हमसे गलती ये हो जाती है कि हम डायरेक्शन दूसरों को देख के तय करते हैं कि वो ये कर रहा तो हम कर रहे, लेकिन अगर आप डायरेक्शन गलत अगर आपने चुन लिया तो आपको इसका बहुत बड़ा जो फल भुगतना पड़ता है, समय बर्बाद करते हैं और उसके बाद फिर आप खुद जो है वो इम्पेशेंस रहने लगते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो अपने डायरेक्शन को चेक करें, गलत डायरेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो चेंज करें, और आपको डायरेक्शंस हमेशा सही चुनने हैं। छठवां पॉइंट, कंसंट्रेशन लेवल को चेक करें। अगर आप कोई कैरियर बनाना चाहते हैं तो जिस चीज में आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है आप उसी को कैरियर बनाएं। जैसे अगर आपको सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, आप 100% अगर सिंगिंग में दे रहे, मेक योर कैरियर। अगर आपको क्रिकेट में अच्छा लगता है, मेक योर कैरियर। अगर आपको पोएट्री अच्छी लगती है, मेक योर कैरियर। कंसंट्रेशन जिसमें बहुत अच्छा आपका ऑटोमेटिक बन जाता है, आप उसी को कैरियर बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिलेगा और आप फिर बहुत आगे निकल जाएंगे जो आप भी अभी नहीं सोच पा रहे। सर, देखा गया है इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट रहता है, उसकी पहचान उसको नहीं हो पाती। जैसे किसी को अंदर गाना गाने की कला है, किसी को बजाने की कला है, हैं किसी को फिल्म अभिनेता बनने की कला है, किसी को एक्टिंग करने की कला है, किसी को पढ़ाने की कला है, लेकिन कोई वो उस फील्ड में नहीं जा पाते। कारण क्या है? बाद में वो अपने को पहचान पाते कि मेरे को टीचर बनना था, मेरे को सिंगर बनना था, मेरे को गिटार वादक बनना था, मेरे को ऐसा। क्या कारण है कि लोग मतलब उस सही समय पे अपने करियर को नहीं चुन पाते जो उनके अंदर मेन कला है? अब इसमें मैं दो कारण बताऊंगा। पहला कारण तो ये है कि आज के जमाने में कुछ ऐसे करियर को ही सब कुछ मान लिया गया, जैसे डॉक्टर बनना बहुत अच्छा कैरियर, इंजीनियर बनना बहुत अच्छा कैरियर, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा कैरियर। अच्छा, 2-3 ही चीज ऐसी मान ली गई हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, ये ना जो 5-6 चीजें हैं इन्हीं में लोग खोए हुए हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसने आपको कहा कि सिंगिंग में कैरियर नहीं है, ये किसने कहा कि आपको प्लेइंग में कैरियर नहीं है, टीचर में कैरियर, टीचिंग में कैरियर नहीं है। देखिए, कैरियर हर जगह है। कैरियर एक ऐसी चीज है जो हर आपको जो है लाइन में मिलेगा, लेकिन आपको क्योंकि दिमाग में एक बात बैठा दी कि यही केवल कैरियर और कोई कैरियर नहीं है, इस कारण से आपने जो अपने स्कोप को आपने कम कर दिया।
आप अगर अपने फील्ड को अगर बहुत बेहतरीन रिसर्च करें और अगर आप अपने फील्ड के सक्सेसफुल पर्सन को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने भी तो उसी फील्ड में चल के आज उस नाम शोहरत और कामयाबी को हासिल किया जिसको आप ड्रीम में आज देखते हैं। तो करियर हर फील्ड में है, केवल आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इस फील्ड में खड़ा उतर जाऊंगा तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कंटिन्यू करिए सर। सातवां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने दिल की बात भी कभी सुने करियर में। अक्सर क्या होता है कि हम अपने दिमाग की बात कभी सुनते हैं और दिमाग क्या करता है कि दिमाग हमेशा ये कहता है कि जहां पैसा ज्यादा मिले वहां जाओ, जिस प्रोफेशन में ज्यादा जल्दी अमीर बन सकते हो वहां जाओ, लेकिन दिल आपका कहता है कि भले देर से अमीर बनेंगे, देर से हम लोग सक्सेसफुल होंगे, पर हम उस प्रोफेशन में जाए। तो दिल की बात आप इसलिए सुने क्योंकि इससे दिल की बात सुनने से आपका फायदा ये रहता है आप प्रोफेशन सही चुनते हो। अगर धीरे धीरे भी अगर सक्सेस मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तो मिलेगी। और पैसा आपको ध्यान रखना है कि हर सेक्टर में शुरुआत में देरी से आता है, लेकिन जब आता है तो फिर आप भी जानते हो कितना आता है। आठवां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, करियर गाइडेंस ले। भाई यूथ की एक बहुत बड़ी गलती है कि उनको गाइडेंस कई बार मिलता है तो वो गाइडेंस नहीं ले रहे। अरे आप गाइडेंस लीजिए, अगर आपको पैसे देके भी गाइडेंस लेना पड़ रहा है लीजिए, अगर आपको अपने शहर से दूर जाके भी गाइडेंस मिल रहा है लीजिए। ज्यादातर समय आप अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में ना रह के सक्सेसफुल लोगों के अगर आसपास अगर रहेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। कुछ स्ट्रगल का टाइम जो आपका शुरुआती जिंदगी में रहता है वो सक्सेसफुल पर्सन के आसपास आपको रहना चाहिए। तो गाइडेंस को ले और गाइडेंस ढूंढते रहे कितने अच्छे गाइडेंस आपको अपने समाज में या अपने कॉलेज स्कूल में आपको मिल सकता है, शहर में मिल सकता है, ढूंढे और गाइडेंस को फॉलोअप करें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफलता का एक ही राज है कि अगर आपको जिस छोटा सा भी काम करने में खुशी हो रही है तो वो सफलता है। तो सर ने एक चीज कही कि करियर पैसा नहीं है, करियर खुशी है। तो जिस चीज में आपको खुशी मिल रही है वो करियर जरूर चुने। क्या सही कह रहा हूँ सर? बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए अगर आप खुश होंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, अगर आपका रिजल्ट्स अच्छा होगा तो वो सारे लोग जो आपके साथ भविष्य में आपके करियर के कारण जुड़ेंगे उनको आपसे खुशी होगी, उनको आपसे बेनिफिट होगा। आप खुश रह के अगर काम करेंगे तो अपने देश, अपने समाज, अपने घर के लिए भी ज्यादा अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे। तो खुश रह के आप अगर काम करेंगे तो अच्छा है, और खुश तभी रह सकते जब आपका मनपसंद कैरियर आप चुने। नौवा पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो है अपने पेरेंट्स और एल्डर्स से और टीचर से जरूर बात करें कैरियर के बारे में। कई बार ये रहता है कि अगर आपको अच्छे गाइडेंस नहीं मिल रहे तो आपके पास कुछ गाइडर्स है, जैसे आपके माता पिता गाइडर्स है, आप उनसे बात करें। लेकिन बात करने के दौरान आप जो है अपने पहले इच्छा को जरूर जाहिर करें कि क्या आप करना चाहते हैं। टीचर से बात करें, प्रोफेसर से बात करें, ट्रेनर से बात करें, अपनी दिल की बात रखें। हो सकता है कि इनसे कोई अच्छा आपको कैरियर ऑप्शन मिल जाए, तो अपने बड़ों से बात करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। समथिंग कई बार ऐसा रहता है कि ईश्वर हमें इन्हीं के माध्यम से अच्छा कैरियर देता है। और दसवां पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है मार्केट के रिसर्च करें, कंपटीशन को देखें, किस चीज में ज्यादा कंपटीशन है, किस में कम कंपटीशन है। मैं आपको यहाँ पे एक एनालाइज करके बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन दिख रहा है तो आप वहां समय बर्बाद ना करें, क्योंकि इतने लोगों का एक साथ हो नहीं सकता। जैसे कोई पोस्ट निकल सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, हाँ, जैसे कोई सरकारी नौकरी में कोई पोस्ट निकला, आप उस पोस्ट में आप देख रहे हैं कि 20 लाख लोगों ने उस पोस्ट में एप्लीकेशन डाला, पोस्ट मात्र 10 है, तो आप अगर उसमें बहुत अच्छी तैयारी कर भी ले तो क्या आप उस 10 में आ पाएंगे? आप ऐसी कोई जॉब्स को देखें जहां पे कंपटीशन कम है और जहां पे बहुत जल्दी आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एज फैक्टर भी रहता है, आप अपनी स्वर्णिम एज को गवा रहे हैं। तो कम कंपटीशन वाले फैक्टर्स को देखें, जल्दी घुसने का कोशिश करें किस सेक्टर में, क्योंकि आपको अगर 27 तक अगर आप किसी सेक्टर में नहीं जा पा रहे हैं तो आगे दिक्कत होगी, क्योंकि 27 के बाद आपके जो पीछे से जो पुराने फ्रेशर्स लोग आते हैं उनको मार्केट में ज्यादा जगह दिया जाने लगता है। समय की कदर समझे, एज की कदर को समझे। थैंक यू सर। 10 पॉइंटों में हमने जाना कि सोल्यूशन क्या है, क्या सावधानियां बरत सकते हैं आप जिससे आपके करियर में अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। करियर काउंसलिंग जरूर लें, लोगों की सलाह लें, माँ बाप की सलाह लें, शिक्षक की सलाह लें, जो उस पद पर पहुंच चुके हैं जिस पद पर आप जाना चाहते हैं उनकी सलाह लें, उनसे सीखें, बाहर जाएं, बाहर जाके अपना मार्गदर्शन लें कि एक कैसे एक सिटी पे क्या का वर्क चल रहा है, क्या कंपनी की डिमांड है, और अपने कैरियर को एक सुनिश्चित स्थान लें। कैरियर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुशी की रखें, क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं तो कैरियर आपको ऊंचाई तक ले जाता है।
फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, अमित सर के साथ। शुक्रिया।